मित्रों नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने त्याग की प्रकाष्ठा ऐसे पन्ना धाये मात्र शक्ति के रूप में अपने देश में जो ख्याति प्राप्त हुई, जिसने अपने पुत्र को बलिदान किया राजा के वंश को जिंदा रखने के लिए, ऐसा ही एक उदाहरण इस बार वीरता की प्रकाष्ठा रानी हड्डी के बारे में चर्चा करेंगे। रानी हड्डी सिलंबर के सामंत रतन सिंह की पत्नी थी। रतन सिंह चूड़ावत अपने आप में अत्यंत वीर था। नई नई शादी हुई थी रतन सिंह जी की। अत्यंत सुंदर वीर ऐसी रानी हड्डा चंद रोज पहले ही अपनी ससुराल में आई थी। इधर से औरंगजेब, जो धर्मांध के रूप में जाना जाता है, उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अनेकों बार मात खाने के बाद, अनेकों बार हारने के बाद भी औरंगजेब इस बात के ताक में था कि कब मैं मेवाड़ को गुलाम करूं। राणा रतन सिंह का विवाह हुआ था। उसको लगा कि विवाह के रंग रंगेलियों में रतन सिंह, जो कि अत्यंत वीर था, उसकी ख्याति दूर दूर तक थी, मेवाड़ की इज्जत मानो उसके हाथ में थी। ऐसे समय का लाभ उठा करके औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। सब सेनाएं सजी हुई थी, राजपूते सेनाएं उत्साह में दो दो हाथ करने के लिए तैयार थी। अचानक सामंत राणा रतन सिंह ने कहा कि मैं एक बार रानी हड्डी की शक्ल देखना चाहता हूं। बाद में उनको कहा कि रानी हड्डी मिलना नहीं चाहती है, तो दोबारा से राणा रतन सिंह ने कहा कि रानी मुझे कोई निशानी दे दे ताकि मैं युद्ध में पूरे जोश से लड़ सकूं। और उसने जब रानी हड्डी के से एक निशानी के रूप में कुछ मांगा, रानी हड्डी के मन में ऐसा भाव आया कि कहीं रतन सिंह चूड़ावत अपनी वीरता को ना दिखा करके मेरे मोह में, मेरे एक तरह से आकर्षण में उस युद्ध से विचलित तो नहीं होगा। वो अपनी जो उसकी वीरता है, जो जिसके उसके चर्चे हैं वीरता के, जिसके लिए मैंने उसे शादी की है, उसे पीछे तो नहीं हट जाएगा। इसी भाव में आकर के और रानी हड्डी ने उसके मन से पूरी तरह से अपना मोह खत्म करने के लिए अपना सिर काट करके उसको भेंट किया। और वही थाल ढक करके, कपड़ा ढक करके उसको भेजा। रतन सिंह ने भी ये सोचा होगा कि महारानी रानी ने कुछ और कोई निशानी भेजी है। उसने कपड़ा उठाया, रानी हड्डी ने अपना सिर काट करके उस थाल में निशानी के रूप में भेजा। रतन सिंह उस सिर को देख करके घोड़े पर छलांग लगा करके पूरी सेना का आह्वान करते हुए युद्ध के मैदान में गया। ये क्या, दोनों हाथों से गाजर मूली की तरह से मुगलों को काटते हुए पूरी सेना को तितर बितर कर दिया। औरंगजेब को ऐसी हार कभी देखने को नहीं मिली थी। मुगल सेना भाग खड़ी हुई, राजपूतों की विजय हुई, परंतु इस विजय की खुशी के प्रारंभ होने से पहले ही लोगों ने देखा कि वो रतन सिंह, जो दोनों हाथों से दुश्मनों की गर्दनें काट रहा था, एक बार से अपनी गर्दन भी काट दी। रतन सिंह के मन में यह भाव रहा होगा कि महल में जाकर के मैं किसको खुशी जताऊंगा, रानी हड्डी जिसने मुझे ये प्रेरणा दी, स्वर्ग में जाकर के उसी के साथ मिलकर के मैं अपनी दास्तान सुनाऊंगा। ऐसे थे हमारी माताएं बहनें और ऐसे हमारे वीर, जो अपनी शान के लिए, अपने देश के लिए अपना सिर वारने में
चंद पल भी नहीं लगाते थे। ऐसा वीरता का राजपूत राजपुताना इसीलिए उसको नतमस्तक होते हैं। मित्रों, अगले एपिसोड में अगली कथा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।